नमस्कार। कुछ ही घंटों के बाद चतरा में चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब जो है मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और चतरा से आपको दिखा रहा हूं कि चतरा के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। कालीचरण सिंह या केएन त्रिपाठी, क्या मुद्दे हैं, किस पर लोगों को भरोसा है? बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे। क्या सर, इस बार क्या लग रहा है? आपका क्या नाम हुआ, शुभ नाम बताइए अपना। संतोष कुमार। चतरा में त्रिपाठी जी, कालीचरण जी, अभी तो दोनों नए हैं चतरा के लिए। अब वो जो दोनों में से जो आवेंगे देखेंगे, 5 साल काम करेंगे, नहीं काम करेंगे फिर धक्का देके जाएंगे। परसों देखना, मैं तो है 500 देख भी तू क्या बोल रहे हैं। बोले काली चैन जीत रहे हैं, तू जीत रहे हैं 110%। हम सलाहकार को लिखित कर देंगे, अगर नहीं जीतेगा तो ये मेरे चैलेंज है। अरे बाप, क्या बोल दिया आप? फिक्स फिक्स एकदम सोच लिए काली चैन बीजेपी जीत रहे हैं, हम लिख देंगे, मेरा दावा को जीत रहे हैं, अगर नहीं जीते हम सलाहकार को लिख देंगे। देखिए अनुभक्त है, बिना जाने हुए इसी को अनुभक्ति कहा जा सकता है, बिना जाने हुए नाम ले लेना, घर हम बीत देंगे। अरे भाई चुनाव है, लोकतंत्र है, डॉक्टर जीत रहे हैं 110%, मतदान का अधिकार है। कह देंगे कि घर बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, गाँव ग्रामीण आम जनता पब्लिक वोट जो देगा उसके बाद पता चलेगा, वो भी ईवीएम बताएगा। आप अनभक्त हैं क्या? है कोई बचता है? बोल रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल जीत रहे हैं, मैं जीतने की तो बातें नहीं है, क्लियर है। क्या मुद्दा है जीतने का? जीतने का पूरा मुद्दा है, बीजेपी जीत रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। क्या चीज मांगाई है? कुछ मांगाई नहीं है। विकास का तीन मुद्दा इनको बताइए। कुछ मांगाई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बीजेपी मांगा नहीं लग रहा, अनभक्त है। 400 मंत्री जी 5 साल से चतरा का विकास किया, हम इनसे जानना चाहते हैं कहाँ विकास किया। श्रम मंत्री सत्यनारायण भोक्ता जी, भोक्ता जी क्या किए विकास? मंत्री चार बार के मंत्री क्या सुझा? आज तक पानी व्यवस्था नहीं किए हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से है नहीं। हमको देश से हमारा आने वाला भविष्य बच्चा लोग के बारे में सोच रहा है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी सब निजीकरण करते जा रहा है और नौकरी को खत्म करते जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे तो मंदिर में तो उसको पुजारी नहीं बनाएंगे। हमको दिल्ली में भेजना है, हमको नौकरी में भेजना है, हमको इस मुद्दा पर हम भविष्य के बारे जवाब आपके पास। इसके पहले 10 साल पहले कलेक्टर थे, सबके पास सब कलेक्टर थे, अफसर थे, तो बताइए कलेक्टर का समय सीमा रहता है। कलेक्टर रोजगार का सृजन किया जा रहा है, केवल सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार का सृजन। हमारे भक्ता जी भी बोले थे कि हमारा डीबी स्कूल में गए थे, बोले कि हम बाईपास को बहुत जल्द बनवाएंगे, अभी क्यों नहीं बनवाए? अच्छा। अब देखिए रोड क्या स्थिति में अभी से सरकार कहती है कि पानी बचाइए, आप में ताकत है तो अब जाके चलिए, पूरा रोड में पानी बह रही है, आदमी के पास नहीं जा रही है। अच्छा, ये आप इसमें जिम्मेदार कौन है यहाँ का मतलब प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि? अच्छा आप बताइए, आप जानकार लग रहे हैं, आप तार्किक बात कर रहे हैं, आप एक तरफा बात नहीं कर रही। बताइए कि चतरा में अभी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? यहाँ की जनता किसी से तरस्त है, क्या परेशानी है? काम हुआ तो क्या काम नहीं हुआ यहाँ पर? कुछ काम नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ? देखिए ना, यहाँ का बिजली स्थिति ठीक है, पानी का स्थिति ठीक है, पानी का पैसा होल्डिंग टैक्स हम लोग को महीना हर एक महीना लगता है और पानी महीना में एक दिन आता है। पानी आज बोल रहे हैं, आइए आगे, युवा है आप, आगे बोलिए। और मेरा कहना है कि बहुत सालों से यहाँ पर जो एकमात्र डैम है हेरुआ डैम, उसका पुनः निर्माण होना चाहिए, ठीक है, ताकि किसानों को पानी मिले। डैम नहीं बना हुआ, खराब है। चलिए डैम का एक मुद्दा है, क्या बोल रहे थे सर आप? हम बोल रहे थे कि आज गुदरी बाजार में पानी चला, पानी में प्रेशर नहीं, 10 लोग को मिला, 500 घर को नहीं मिला, टैक्स दे रहे हैं, हर महीने का जोड़ के 1600 जितना रुपया ले रहा है, लेकिन इस पर कोई भी मंत्री महोदय को ध्यान नहीं है। सर आगे बोलिए, आप क्या नाम बोलिए? डैम का मुद्दा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार आवे हमारे देश में, वो रोजी रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, नवयुवा के बारे में सोचे, क्योंकि नवयुवक क्या कर रहा है कि शिक्षा खत्म हो रही है तो वो भटक रहा है, नशा में घुस जा रहा है, और शिक्षा इतना डैमेज हो गया है कि लोग लेबर कुली बने, लेबरों से ज्यादा हो गया। तो मेरा कहना है कि जो भी सरकार आवे, चाहे राहुल गांधी आवे चाहे मोदी जी आवे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, और मोदी जी को 10 साल टाइम दिए, लेकिन अगर रोटी नहीं पलटे जाए तो रोटी जल जाएगी। हम
जो मतलब वही उसी को पसंद करते हैं जो हमारे बात करे, जो हमारे मजदूरों को बात करे और हमारे छोटे छोटे बच्चे किसानों को बात करे, जो साफ सुथरा बोले क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर उद्योग लगाने का बात हुआ था कि फैक्ट्री लगेगा किसी भी चीज का, वही रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री भी नहीं लगा, ट्रेन भी अब तक नहीं आया। 10 साल से बीजेपी के सांसद रहे सुनील सिंह, उसके बाद मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता, राज्य सरकार का भी पूरा सपोर्ट रहा, आपका जो केंद्रीय जो सपोर्ट बोलते हैं वो भी रहा, बावजूद इसके नहीं हो पाया, इसका क्या मतलब है? सबका मिली भगत है, 10 साल से सांसद रहे हैं सुनील सिंह, अब तक क्या काम किए? राज्य मंत्री है भोक्ता जी, यहाँ पर बहुत पुराने मंत्री है, दोबारा अपनी जनता ने उनको पूरा सहमति दिया, दोबारा राज्य मंत्री बने, इसके बाद ना कोई नहीं आया फंड पास करवाना चतरा जिला के लिए, राज्य मंत्री कुछ नहीं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी को केंद्र में जरूरी है, देश के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चतरा के लिए जरूरी नहीं है, चतरा के लिए हरिचरण सिंह जरूरी है। चतरा में कुछ कुछ क्या जरूरी है? चतरा में सबके पास, चतरा में सब है, सबके पास देखिए 15 का मोबाइल है, कौन गरीब है? रोड है, सबके पास मोबाइल है, 15 का मोबाइल है, 300 रुपए चार्ज करता है, मोबाइल ना चलाइए ने, कांग्रेस के राज में डूबा है, कांग्रेस के राज में, अरे आदमी भूखे प्यासे मर रहा है, लाने के पक्ष में आए 10 साल पहले हम लाए भी, भूखे प्यासे आदमी मर रहा है, मोबाइल खा लेगा ना, और करके दिखाएंगे मोबाइल हमने 10 साल हम लोग रखे, भूल मोहब्बत के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स, कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in